Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I am Saqib Kazmi और आप देख रहे हैं Saqib Kazmi Vlog. मैं आज तकरीबन एक वीक बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मज़ा नहीं आ रहा था व्लॉग बनाने का, तो इसलिए आज बल्कि कल से लॉकडाउन यहाँ पे 75% जो है वो हॉलैंड में रोटरडम सिटी में ख़त्म हो चुका है. तो शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह वो खुल चुकी हैं, तो इसलिए मैं फिर आज बाहर निकला हूँ. मैंने कहा चले व्लॉग बनाए, तो वैसे भी एक दो चीज़ें मैंने परचेज करनी थी व्लॉग के हवाले से. मेरे एक दोस्त आ रहा है, तो हमने मिल के वो कैमरा एक देखने जाना है परचेज करने के लिए. अभी देखते हैं परचेज करते हैं या नहीं करते, वो तो पसंद आएगा तो करेंगे ना, तो वहाँ पर जा रहे हैं. उसके बाद हम आपको लॉकडाउन के बारे में सूरत हाल जो है वो अपडेट करेंगे यहाँ पर हॉलैंड के अंदर, कि आवाम का क्या रद्द अमल है, आवाम कैसे उसको ले रही है, इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लोग अभी भी डर रहे हैं, वो इंशाल्लाह सब आपसे हम शेयर करेंगे. तो देखते रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, देखिएगा. और टेम्परेचर यहाँ पे कुछ यूँ है कि मौसम गर्म है, 30 टेम्परेचर है इस वक्त गाड़ी के बाहर, तो गर्मी है, तो इन्जॉय करने वाला मौसम है और लोग इन्जॉय कर भी रहे हैं, लेकिन लोग डरते हैं अभी, तो इसलिए बहुत कम लोग बाहर आ रहे हैं. बाकी अभी सिटी में चलते हैं, बाकी कुछ शॉप्स वगैरह और सिटी की सूरत से आपको अपडेट करते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन कैसा है यहाँ पे यूरोप के अंदर, रोटरडम सिटी के अंदर. तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आप मज़ा आएगा आपको, एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को. तो लेट्स सी जी. तो ये दोस्तों देख लें आप, आफ्टर लॉकडाउन कितना रश है रोड के ऊपर, नॉर्मल लाइफ में लोग वापस आ रहे हैं. ये देखें, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने दिखाया था रोड कैसे सुनसान पड़े हुए हैं, तो आज माशाल्लाह काफ़ी देखने में रश नज़र आ रहा है रोड के ऊपर. तो मैं जा रहा हूँ अभी कैमरा लेने, तो दोस्त मेरा वहाँ पर पहुँच चुका है, उसकी कॉल आ चुकी है, तो वो वेट कर रहा है वहाँ पर गुस्से में, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट का बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि अपॉइंटमेंट इस अपॉइंटमेंट मैं सो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि रोड के ऊपर देखें ट्रैफिक कितनी है, लोग कितने नज़र आ रहे हैं आपको. तो अल्लाह का शुक्र है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ और लॉकडाउन के बाद ये सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही है. चलते हैं आपको शॉप के लिए दिखाते हैं कि हमें कौन सा कैमरा खरीदना है या क्या खरीदना है, तो वो आपको जाके मिलकर आप देख. जी तो दोस्तों, ये सोनी का कैमरा हमने परचेज़ किया, लेकिन अभी जो है ना इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, इनका जो है ना स्टॉक में नहीं है, तो ये एक वीक के बाद हमें मिलेगा. तो ये हमने परचेज़ कर लिया है, और ये मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब, जिन्होंने परचेज़ किया कैमरा चलते, तो इन्होंने परचेज़ किया जनाब, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 1000 यूरो लोग के लिए, कैमरा लिया है, उसके साथ जितने भी लवाजमात हैं वो सारे इनके साथ इन्होंने लिए हैं. जी तो दोस्तों, कैमरा हमने ऑर्डर कर दिया है, तो सिर्फ उसका स्टॉक में नहीं था, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा. तो वो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 वीक भी लग सकता है और 4 वीक भी लग सकते हैं. तो हमने ऑर्डर कर दिया क्योंकि वो अच्छा कैमरा था, उससे ज़्यादा अच्छा हमें कोई नज़र नहीं आया. तो जब भी आएगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे. ऑर्डर हमने कर दिया है, पे कर दिया है, तो जैसे आएगा तो आपसे अनबॉक्सिंग आपके सामने की जाएगी. लो जी, कैमरा परचेज हो गया है, कैमरा ऑर्डर भी हो गया है, और अब लगी है भूख, तो अब चलते हैं कि अच्छे से रेस्टोरेंट में, वहाँ चल के खाना खाते हैं. तो रेस्टोरेंट तुर्किश रेस्टोरेंट हमने डिसाइड किया कि आजकल कोरोना के बाद जो सूरत हाल है लॉकडाउन के बाद, वो ये है कि आप मैक्सिमम 30 बंदे एक रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, वो भी 1.5 मीटर के डिस्टेंस से. तो इसलिए जहां भी आपने जाना है, सबसे पहले आपने कॉल करनी है,
आपने अपनी बुकिंग करवानी है रेस्टोरेंट में कि हम दो लोग या तीन लोग या चार लोग जितने भी आप जा रहे हैं तो वो उनको बताना उस तरह आपको जो टेबल अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको देंगे। तो कॉल मैंने कर दी है, दोस्त भी मेरा साथ जा रहा है, तो ऑर्डर भी मैंने खाना भी कर दिया है। तो चल के आपको दिखाते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन रेस्टोरेंट की क्या सूरत है। काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी दिन हो गया कि बाहर का खाना नहीं खाया और घर का खाना खाकर पेट ख़राब हो गया। लोग पहले कहते थे कि बाहर का खाना खाकर पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन अब इतने दिनों से घर का खाना खाकर पेट ख़राब हो गया। तो चलते हैं ज़रा रेस्टोरेंट में और दिखाते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और कैसे मैंने ऑर्डर किया क्या किया वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ चले। Standing outside, waiting for you. You were always taking time. ये देख लें जी, आफ्टर कोरोना आफ्टर लॉकडाउन ट्रैफिक जाम है। ये देख लें, नॉर्मली ये दो माह में यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं हुई, तो आफ्टर लॉकडाउन देख लें लोग बाहर निकल आए हैं। Standing outside, जी तो दोस्तों मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में आके मैंने खाना ऑर्डर किया था, तो खाना भी आ गया। तो ये खाना जो मैंने ऑर्डर किया है ये चांपे हैं, तो साथ इनके पोटैटोस हैं, सलाद है, साथ में ब्रेड है। तो ये है मेरा डिनर आज का। तो ये मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी अर्सा से यह रेस्टोरेंट बंद रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं खाई और इनको बहुत मिस किया। तो इसलिए ये मैं बहुत ही आ गई। अब ये देखते हैं कि ये क्या ऑर्डर करते हैं। मैं मेरी चाकू पे नज़र रखी हुई है, तो देखते हैं आगे। जी तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, तो बड़ा मज़े का टेस्टी खाना था। तो चाय पी है, अब चाय आ गई है, इसको बोलते हैं तुर्किश कावा। तो तुर्किश कावा आ गया है, इसका एक अपना टेस्ट है, कहीं आपको मौका मिले तो टेस्ट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब और लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।